स्वाभिमान, संविधान सम्मान, जिसको भी दिल में संविधान छाया हुआ लगता है, जिसे भी संविधान की अवमानना सहन नहीं होती है, जिसे लगता है कि संविधान हमारे हर संघर्ष और निर्माण का एक आधार है, वो महिला हो या अपने भाई, वो दलित हो या आदिवासी, अधिकार जिनके कुचले गए हैं या जा रहे हैं, उन सभी को संविधान पर हाथ रखकर शपथ नहीं लेनी है, केवल संविधान को दिल और दिमाग में उतारकर हर अधिकार को हासिल करने तक एक जोरदार आंदोलन एक होकर चलाना है। यही इस जश्न ए संविधान का संदेश है, ये मैं मानती हूँ। और इसीलिए जिसको ये अभिमान लगता है, वो हर व्यक्ति, हर इंसान जो जात पात पंथ प्रांत धर्म और लिंग भेद के पार आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो हर कोई हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके नारा दे देंगे। जो हाथ नहीं उठाएंगे, माना जाएगा कि वो संविधान को मानते नहीं हैं, उसकी अवमानना करते हैं। तो क्या हम लोग संविधान सम्मान, हमारा अभिमान कहकर अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा और अपना विश्वास जताएंगे? संविधान सम्मान हमारा अभिमान, संविधान सम्मान हमारा अभिमान। अब जश्न है तो हर कोई खड़ा है, बैठा है, लेकिन साथियों, यहाँ संगठनों के ऐसे साथी हैं जिन्होंने एक लंबी यात्राएं की है। पहली तो यात्रा अपने अपने संगठन की, अपने अपने आंदोलन की, जो अनुभवों से भरपूर यहाँ पधारी है। कईयों ने 20 साल 30 साल 33 साल संघर्ष किए हैं और आज भी जिनमें जोश है, दम है, विश्वास और आत्मविश्वास। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने 26 राज्यों की 65 दिन की यात्रा की, क्या देखी है देश की हालात। यहाँ सब लोग अपनी अपनी बात रखने आए हैं। बातें अमन की, महिला संगठनों ने अमन चाहिए दमन नहीं, ये संदेश देते हुए महिलाओं पर हो रहे हर अत्याचार के सामने मी टू ही नहीं हम भी, ये कहते हुए यात्रा करके यहाँ पधारने का काम किया है। हम उनको सलाम करते हैं। कारवाए मोहब्बत, हर्षमंदर जी के साथ जो यात्रा चली, वो एक एक घर घर पर पहुंची, जहां हिंसा का नंगा नाच सत्ताधीशों के समर्थन के साथ खेला गया, वो चाहे मोहसिन खान हो पूना का, वो चाहे पहलू खान हो या जुनैद हो। साथियों, दलितों पर अत्याचार की बात उजागर होती जा रही है कारवां से, और इसीलिए ये तमाम यात्राओं के अनुभव और उससे मिली हुई एक ताकत की पूंजी जो संगठित शक्ति की है, वो लेकर आज यहाँ हम क्यों पधारे हैं? क्योंकि आज ही वो दिन है जो मानव अधिकार को मान्यता देता है देश और दुनिया में। मानव अधिकार, ये नहीं कि हम लोग पशुओं का अधिकार नहीं मानते, ये नहीं कि हम लोग पेड़ों का अधिकार नहीं मानते, पर मानव का अधिकार भी जब कुचला जा रहा है और विकास के नाम पर हो या जाति मजहब के नाम पर हो या लिंग भेद के नाम पर हो, जब हिंसा का खेल चलता है, तो हम अहिंसक सत्याग्रही साथी एक होकर लड़े बिना हम लोग इस देश में हिंसा का नाच नहीं रोक सकते हैं। ये हमारी पहली बात है, मंजूर है, और इसीलिए है ये बहुत व्यापक समन्वय। आज इस रोज जब नियमगिरी की लड़ाई में एक एक ग्राम सभा का अधिकार मंजूर किया गया, तब भी ग्राम सभा हो या शहर की मोहल्ला सभा हो, उनको नजरअंदाज करते हुए जब जमीन, जंगल, पानी, नदी, खनिज, रेत, हर चीज छीनती जा रही है सरकार, और वो भूमिहीनों को भूमि देती, तो हम भी उनके साथ हैं। लेकिन वो किसान की खेती एक बाजू खत्म करके भूमि जब अडानी और अंबानी को दी जा रही है, हम लोग एक होकर जब तक नियमगिरी नहीं, हर पहाड़, हर टेकड़ी, हर खेती और हमारी पूरी मछली
आजीविका नहीं बचाते हैं तब तक ये रोजगार निर्माण, ये मेक इन इंडिया, ये सब बात फिजूल साबित होती है। इसलिए भी रोजी रोटी मांगने के लिए हम यहाँ आए हैं, भीख के रूप में नहीं, एक ताकत लेकर हमारे हक के रूप में। तो साथियों, शहरी गरीब आवास के लिए लड़ रहे हैं। वहां उत्तराखंड में आज कौन सा खटीमा गांव में संघर्ष चल रहा है, वो जंगल की जमीन उनकी छीनने के खिलाफ ही नहीं, वो छेड़छाड़ और अत्याचार के खिलाफ लड़ रही है। तो एक एक जगह पर महिलाएं जो अपनी आजीविका का आधार बचाने के लिए लड़ रही है, वो संविधान का सम्मान करने वाली इस देश की नागरिका है, ये हम जान जाए। जब आदिवासी अपनी हर प्राकृतिक संपदा पर अपना अधिकार जता रहे हैं, वो भी संविधान का सम्मान कर रहे हैं। नशा मुक्ति शराब बंदी के लिए लड़ने वाली, आवास का अधिकार मांगने वाली बंबई में हमारी हजारों महिलाएं बैठी आज भी, और 15 तारीख को कुछ करेगी घर बचाओ कहते हुए। आवास का अधिकार के लिए लड़ने वाले भी संविधान का सम्मान कर रहे हैं। और कारखानों के मजदूर, जिन उद्योगपतियों को जमीनें दान की जा रही है, जिनके लिए लाखों करोड़ों रुपयों की 4 साल में 4 लाख करोड़ की छूट दी जा रही है, जिनकी जमीनें खाली पड़ी है, कंपनियां बंद हुई है, खरीदी और बिक्री के नाम पर टाटा बिरला हो या अडानी अंबानी या जिंदाल मित्तल, जबकि ये खेल करके मजदूरों को ठेका मजदूर बना रहे हैं और हकाल भी दे रहे हैं, तब सेंचुरी की लड़ाई हो या कलादास जी और तमाम साथियों के साथ सुधा भारद्वाज जेल में होते हुए भी छत्तीसगढ़ की नियोगी जी से प्रेरणा लेकर चल रही श्रमिकों की लड़ाई हो, साथियों हम लोग एक हैं, और ये भी संविधान के सम्मान में। तो हम जरा जोरदार नारा दे, रोजी रोटी कपड़ा मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, रोजी रोटी कपड़ा मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, रोजी रोटी कपड़ा मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। और ये न देने वाले कौन है? ये न देने वाले राजनेता केवल जाति और मजहब के नाम पर अस्मिता को उछालने वाले, अयोध्या में फिर से रंग दंग भरने वाले, सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश न देने वाले, अन्याय करने वाले ही सत्ताधीश है। हम लोग समझे कि ये ऐसे मुद्दों को उछालते हुए दूसरी बाजू इस देश को बेच रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय पूंजी लाकर यहाँ की प्राकृतिक और मेहनत की पूंजी की अवमानना कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं और उस पूंजी पर अपना हक जताने वालों का अपमान कर रहे हैं। हम इनको नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे, ये भी हमारे यहाँ संकल्प होना चाहिए। साथियों, जबकि ये लड़ाई केवल लोकल स्थानीय नहीं है, राष्ट्रीय है, तो आज हमारे सबका एकत्रित आना, सीतापुर की महिलाओं का, अरेरिया के श्रमिकों का, हिमाचल प्रदेश की भाइयों का, नर्मदा घाटी से आए या सहारनपुर से आए, छोटे छोटे महिला किसान, दलित किसान, आदिवासी किसान, ओडिशा से लेकर आसाम तक, संविधान को एक एक प्रकार से बचाने वाले लोग वो नहीं है जो संविधान पर हाथ लेकर शपथ लेते हैं और चुनाव होते ही गुल होते हैं, गायब होते हैं। देखिए आज हम खड़े हैं, कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, हम दो चुनावों के बीच चुनौती लेकर खड़े रहने वाले लोग हैं। तो हम लोग एक बार जोरदार नारा देंगे, मात्र चुनाव नहीं चुनौती, मात्र चुनाव नहीं चुनौती, मात्र चुनाव नहीं चुनौती। और ये चुनौती हम हर दल दल को देते हैं, जिनका फंडिंग कंपनियों से आ रहा है, तो संविधान की धारा 39 में जो लिखा है कि गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए, वो कैसे होगी खत्म? उनके ही पक्ष में नीति और कानून बनेंगे जो पैसा देते हैं चुनाव में, किसान मजदूर नहीं देते हैं, इसलिए किसान मजदूर को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं,
हम मानते हैं कि संविधान ने समता और न्याय का अधिकार अपनी प्रस्तावना में दिया है। जो प्रस्तावना देश भर 26 राज्यों में यात्रा करने वाले साथियों के साथ हजारों हजारों लोगों ने दोहराई, राजस्थान में भी, उड़ीसा में भी, गुजरात में भी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी। साथियों, इसलिए हमारा तो नारा है, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। ये बहुत बड़ी बात है जिसका संदेश हम दिल्ली में आकर दे रहे हैं, गली से दिल्ली तक। जब तक ये नहीं समझेगी बात कि आखिर इस देश का प्राथमिक उत्पादन, इस देश का उत्पादनों का वितरण, इस देश के खेती से लेकर अन्न सुरक्षा और हर जात की सुरक्षा देने वाले संसाधनों की रक्षा और निर्माण यहाँ का मेहनतकश करता है, लेकिन 93% मेहनतकशों को न पेंशन है, न प्रोविडेंट फंड है, न सही समान वेतन है, न श्रम का मूल्य है। इसीलिए हम लोगों को हिसाब मांगना पड़ रहा है। सूचना के अधिकार के तहत तो हिसाब मांग ही रहे हैं, पर हम लोगों को वो हिसाब चाहिए जो श्रम और हक के बीच का हिसाब है। इसीलिए हमारा नारा ये भी होना चाहिए, गरीबों का श्रम कितना, हक कितना, हिसाब करो, हिसाब दो। किया ही नहीं है हिसाब, इसीलिए हिसाब करने के लिए उनको मजबूर करना होगा, और इसके लिए ये ताकत जरूर अपना रंग लाएगी, अपना हक पाएगी, ये हमारा विश्वास है। तो गरीबों का श्रम कितना, हक कितना, हिसाब करो, हिसाब दो। गरीबों का श्रम कितना, हक कितना, हिसाब करो, हिसाब दो। गरीबों का श्रम कितना, हक कितना, हिसाब करो, हिसाब दो। अनिल भाई बोल के गए हैं, जो बहुत बड़े विचार बनते हैं, कि केजी से पीजी तक, यानी सबसे छोटे बच्चे की शिक्षा से ग्रेजुएशन के बाद पदवी उत्तर शिक्षा तक पूरी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। स्वास्थ्य की न्यूनतम योजना मुफ्त होनी चाहिए, न्यूनतम पानी मुफ्त होना चाहिए। ऐसा कई देशों में है, लेकिन यहाँ यहाँ पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ देकर बहुत लोगों को वंचित रखने की कार्रवाई चल रही है। और जो कानून है, जो संविधान के अधिकार है, उसको बदलने की पूरी तैयारी चल रही है। भूमि अधिग्रहण कानून ब्रिटिशों का कानून बदलाया संघर्षों ने, आंदोलनों ने, उसको 2013 में नया रूप लाया। गांव के लोगों को, किसानों को पूछे बिना कंपनी को जमीन नहीं दे सकते हैं, खेती की जमीन पहले नहीं आखिरी में। और क्या असर आएगा ये देखने के बाद ही कोई बांध, कोई कारखाना, कोई भी चीज बन सकती है, लेकिन उसको नजरअंदाज करने वाली मोदी सरकार ने 3 बार कोशिश की अध्यादेश लाने की साथियों, लेकिन वो हार गए, क्योंकि संसद मार्ग किसान मजदूर मछुआरों ने घेर लिया। हमारी महिला शक्ति ऐसे में सबसे ताकतवर, सबसे जीवट और अंतिम तक लड़ाई मंजिल तक ले जाने वाली शक्ति होती है। लेकिन आज मैं आपको एक खुशखबर कहने वाली हूँ कि ये नया कानून 2013 का, जो मोदी जी की और हर राज्य की भाजपा की सरकार अमल में नहीं ला रही थी, उन्होंने फिर एक नई कोशिश की राजस्थान और गुजरात से शुरू करके, कि वो राज्य का कानून लाएगी ताकि जल्दी से जल्दी सबकी जमीन ले जाए। जंगल की जमीन का पट्टा देने के पहले वो कंपनी को पट्टा दे देगी, वो होटल वालों को नदी किनारे के पट्टे देते हुए नर्मदा के किनारे के नंदुरबार के आदिवासी युवा हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। चुटका के ग्रामीण आ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लेकिन राज्य सरकार के ये पूरे नए नए नियम और कानून, इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट ने। हम सब लोग कानूनी लड़ाई में जुड़ गए। एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ने केस दाखिल की। आज निर्णय आया है कि 5 राज्यों की सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि 2013 के कानून के खिलाफ
आप कैसे कानून कर सकते हैं? तो हमें भू अधिग्रहण नहीं, भू अधिकार चाहिए। हमें भू अधिग्रहण नहीं, भू अधिकार चाहिए। हमें भू अधिग्रहण नहीं, भू अधिकार चाहिए। साथियों, पैसा और बाजार का खेल संविधान को कुचल रहा है। हर चीज में पैसा पैसा पैसा। आप अगर विस्थापित होंगे तो पैसा, आपके अगर अत्याचार हुए तो पैसा, आपकी रोजगार चला गया तो पैसा। और इससे लोगों को खरीदने की बात चल रही है, न केवल जमीन को, न केवल पानी को। और ऐसी स्थिति में रोजगार मांगने वाले, अपना हक जताने वाले, उन सबको हम सलाम करते हैं। और वो लड़ाई जब तक हम नहीं जीतेंगे, तब तक संविधान जिंदा नहीं रहेगा। संविधान जलाने वालों ने क्या नहीं किया है? चाहा कि सर्वधर्म समभाव की बात बदल जाए, वो शब्द हटाया जाए धर्म निरपेक्षता का, समाजवाद का शब्द देर से डाला गया, मतलब समाज का अधिकार, समाज तय करेगा विकास कैसा होगा और क्या होगा देश में, केवल मोदी जी नहीं, केवल अडवाणी जी नहीं। लेकिन वो ये बदलना चाहते थे। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक देश का हर नागरिक संविधान का हर अधिकार और उसका महत्व नहीं समझेगा, तब तक संविधान जिंदा नहीं रहेगा। सही इस अर्थ से संविधान को बचाना है तो ये होना जरूरी है। और इसीलिए संविधान के सम्मान में आज मानव अधिकार की बात हम कर रहे हैं। ये आसाम के जो लोग आक्रोशित हैं, उन्होंने एक बहुत महत्व की बात को उजागर किया है कि मजहब के नाम पर कौन नागरिक अतिक्रमण के बावजूद पलायन करके आए तो भी मंजूरी पाएगा, नागरिकता पाएगा, और कौन नहीं पाएगा। उनका कहना है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो भी आए उसका स्वागत होगा, लेकिन मुसलमानों का नहीं। ये जो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ करने वाली लड़ाई है, वो चालू रहने देते हुए वो हर चीज अपने सबके हाथ से निकालकर दूसरों को, विदेशियों को बुलेट ट्रेन के नाम पर, उद्योग कॉरिडोर के नाम पर दे रहे हैं और अत्याचार और अन्याय बढ़ रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि इसमें भी आसाम में जो हो रहा है वो संविधान की अवमानना है। और उसके खिलाफ अखिल गोगोई और सभी साथियों ने संविधान के सम्मान में जो जागरण किया है, वहाँ जो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, हम उनको भी सलाम करते हैं और साथ सहयोग देते हैं। साथियों, सबरीमाला के मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नकारने वाले, उनको हमने अगले चुनाव में हमारे घर के द्वार पर वोट देने के लिए नहीं आने देना चाहिए। यही महिलाओं का संकल्प होना जरूरी है, वो किसी भी पार्टी के हो। केरल सरकार सबरीमाला में महिला प्रवेश को मंजूरी देती है, लेकिन कौन कौन सी पार्टी सबरीमाला में या किसी भी मंदिर या मस्जिद में, जबकि हाजी अली की मस्जिद खुली हो गई, जबकि महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर का मंदिर खुला हो गया, दलितों को मंदिर में प्रवेश न देने के खिलाफ कानून हो गए, संविधान है, आंदोलन हो गए। अब महिलाओं को भी हर जगह पर देश के कोने कोने में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे वो गांव हो, घर हो, या सरकार का दफ्तर हो, हमको प्रवेश चाहिए। इस मुद्दे पर आप लड़ाई लड़नी होगी कि नहीं, बताइए, लड़नी होगी कि नहीं? परंपरा की बात की जाती है भाई, इस देश में परंपरा जैविकता की है, इस देश में परंपरा सादगी की है, इस देश में परंपरा स्वावलंबन की है। उन परंपरा को, स्वदेशी की परंपरा को भी आप तोड़ रहे हैं और अंधश्रद्धा की परंपरा को आप जगा रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। तो महिला शक्ति ने आज ये भी आवाज उठानी चाहिए, जो महिला को रोकेगा, जो महिला को दबाएगा, जो महिला पर अत्याचार करेगा या महिलाओं के पक्ष में नहीं बोलेगा, मध्य प्रदेश के भाजपा के घोषणा पत्र में महिलाओं के बारे में कुछ नहीं। तो देखिए, अब समय आया है
महिलाओं की ताकत केवल यहाँ जंतर मंतर चू करते हुए नहीं आई है, वो आगे चल के संघर्ष की लंबी यात्रा में, चुनाव की राजनीति में भी अपनी ताकत दिखाने वाली है। ये संदेश भी यहाँ से जाना जरूरी है साथियों। इसीलिए अयोध्या का मुद्दा हो कि सबरीमाला का, हमारे मुद्दे अस्तित्व के मुद्दे हैं, केवल अस्मिता के मुद्दे नहीं है। हमारे मुद्दे हिंसा के हैं, हिंसा के खिलाफ हम करते हैं। हमारे मुद्दे बराबरी के, समता न्याय के हैं, गैर बराबरी का विरोध करते हैं। इसीलिए आज इस जश्न ए संविधान में बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ प्रशांत भूषण जी और न्यायमूर्ति एपी शाह जी अभी पधारने वाले हैं। अरुणा रॉय जी नहीं आ पाई, लेकिन निखिल बागड़े जी, निखिल भाई और साथी आए हैं। प्रफुल्ल सामंतरा जी आए हैं, सुनीति बहन आई है, संदीप पांडे जी आए हैं, आभा बहन आई है, जागोरी के जागरूक महिलाएं ताकत लेकर यहाँ आई है, किस किस का नाम लू, शबनम हाशमी आई है, कविता श्रीवास्तव यहाँ है। हर कोई ये मानव अधिकार के लिए लड़ने वाला व्यक्ति आज यहाँ मौजूद है, और ये ताकत हमें बहुत बड़ी प्रेरणा दे रही है। हमारी इन छोटी छोटी 2 महीने की 4 महीने की यात्राओं के पार जो बड़ी आंदोलनकारी यात्रा करने वाली है हम लोग, उसका नक्शा और उसका कार्यक्रम कल 11 दिसंबर को गांधी शांति प्रतिष्ठान में तय होगा। साथियों, आप सब संगठनों के साथियों को निमंत्रण है, और इसीलिए अभी जो 26 राज्यों से यात्रा चली, उन यात्राओं से निकला हुआ अनुभव वो सुकोला से भी मिला है, वो मांडवी बहन से मिला है, वो ओडिशा के लिंगराज भाई आजाद जी से मिला है, वो गुजरात के रोहित प्रजापति जी और कृष्णकांत भाई से मिला है, वो केरल के, तमिलनाडु के अरुल दास जैसे दलित युवा से मिला है, आसाम के साथियों से मिला है। तो हम सब लोग उन सब साथियों को सलाम करने के लिए एक पुस्तिका जो निकली है उसके प्रकाशन में व्यस्त रहे। सुनीति बहन जैसे साथी को बुलाते हैं, मीरा बहन, सुकोला बहन, सुकालो बहन, मांडवी बहन और सुनीति बहन, अगर 5 महिलाएं यहाँ आई तो पंच परमेश्वर नहीं, 5 उंगलियों की मुट्ठी बंद करके जैसी ताकत होती है वैसी ताकत बनने वाली है। आज उत्तराखंड की महिलाएं लड़ रही हैं, आज इस वक्त मुंबई में महिलाएं लड़ रही हैं। हर कोई को विकल्प देने की जवाबदारी है, और उस जिम्मेदारी के साथ विकास कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, चुनाव कैसा चलना चाहिए, जनतंत्र का अर्थ क्या है, ये तमाम मुद्दे भी आ गए हैं। हर किसी को ये रिपोर्ट पढ़ना है। अभी चंद प्रतियां जो यहाँ हैं, मैं सुनीति बहन को आग्रह करती हूँ कि वो आकर इस पुस्तक के प्रकाशन में 2-3 मिनट बिताए, और इस यात्रा में सैकड़ों सैकड़ों लोग चले, जम्मू कश्मीर की फौजिया से लेकर केरल के शरद भाई तक, महाराष्ट्र के बलवंत राव मोरे और उनके नांदेड़ के साथियों से लेकर बंगाल के सुंदरबन से आए पवित्रा भाई और उनके साथियों तक, गरीब बस्ती की महिलाएं भी चली और आदिवासी दलित भी चले। तो ये जरूरी है कि ये तमाम प्रतिनिधि के रूप में जो खड़े हैं वो इस पुस्तक का प्रकाशन करें, और उसके पहले बस हम 2-3 नारे लगाएं। लड़ेंगे जीतेंगे का नारा तो नर्मदा का नहीं रहा, पूरे देश दुनिया का हो गया है। तो लड़ेंगे, लड़ेंगे, पर हमको याद दिलाना चाहिए हमने कितनी लड़ाइयां जीती हैं, नियमगिरी की नहीं, पोस्को की, लावासा की, हीरा धंधानी बिल्डर की, नर्मदा में हजारों को जमीन देने की, सेंचुरी मिल की, आज ही हम ऑर्डर लेके आए हैं। साथियों, बहुत बड़ी ताकत हम में है, तो हम लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, लड़े हैं और लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। बस मैं एक ही 2 लाइनें गीत की कहकर प्रकाशन को चालू करने वाली। एक हमारी एक है उनकी, जो जाति और मजहब को मानने वाले हैं उनकी दुनिया दूसरी है। एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाज़ें
दो, एक हमारी एक है उन मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो, एक हमारी एक है उन मुल्क में है आवाज़ें दो। वो कहते हैं मंदिर बस पिंसानो, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो, वो कहते हैं भूले मंदिर मस्जिद याद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर इंसान को आबाद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर इंसान को आबाद करो। एक हमारी एक है उन मुल्क में है आवाज़ें दो, मुल्क में है आवाज़ें दो।